नमस्कार दोस्तों, हेमा किचन हल्दी फ्रूट में आपका स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। दोस्तों मैं चूल्हा को जला रही हूँ, अब इस पे कढ़ाई रख रही हूँ। रिफाइंड का तेल डाल रही हूँ। दोस्तों मैं पहले इसमें सिंगदाना तल ले रही हूँ। दोस्तों मेरा सिंगदाना बहुत अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कड़क पत्ती है, पहले मैं इसे, ये जीरा है, दोस्तों ये मैंने पतली पतली आलू काट के रखा है, इसे पहले फ्राई कर ले रही हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा आलू बहुत अच्छे से पक गया है, अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। दोस्तों मेरा मटर पक गया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। दोस्तों मेरा टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है, अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर। दोस्तों मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, अब मैं साबूदाना डालने जा रही हूँ। मैंने रात में इसे भिगोया था, सुबह छान कर रख ली। दोस्तों आप हल्दी नहीं डालोगे तभी चलेगा। दोस्तों जो मैंने सिंगदाना तल कर रखा है अब इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। दोस्तों ये मेरा पक चुका है, अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। है और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा लगता है स्वाद इसका। आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये मेरा साबूदाना का खिचड़ी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। प्लीज अपने घर पे जरूर बनाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।